रायगढ़ में तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसा चारभाड़ा गांव के पास हुआ है। घटना में दो यात्रियों की मौत हो गई, वहीं दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बस में सवार यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर नशे में बस चला रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बस लेलुंगा से रायगढ़ आ रही थी। एक्सीडेंट होने का कारण जो हमें घायलों से पता चला है, उसका कारण ड्राइवर के द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाने का समझ में आ रहा है, इसके कारण नियंत्रित हो गई बस और लगभग इसमें 23 लोग घायल हुए। उन 23 लोगों से करीब 11 लोगों को मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर से स्थानीय जो प्रशासन है और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी मदद से उनको भेजा और 3 लोगों को मेट्रो अस्पताल में रेफर किया गया है। इनमें से 3 से 4 लोगों की हालत अभी बहुत गंभीर बताई जा रही है। हमने इनको प्रायोरिटाइज करते हुए बारी बारी से एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए इनके यहाँ से रवाना कर दिया है। शेष लोगों को करीब 9 लोगों को यहाँ पर हम चार्ज दे रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे उनकी स्थिति होती डॉक्टर को जाएगा उपरांत आगे भेजा जाएगा।